रोहित शर्मा को हटाकर मुंबई वालों ने पंड्या को बना दिया है नया कप्तान। अब आगे क्या कदम उठाएंगे रोहित शर्मा, क्या है इस पूरे मसले की इनसाइड स्टोरी बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1122वां एपिसोड। आज 16 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स सबसे पहले हम आईपीएल से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो यह रिपोर्ट आ रही है दोस्तों मुंबई इंडियंस के कैंप से। ऑफिशियली मुंबई इंडियंस ने कल ऐलान कर दिया कि भैया रोहित शर्मा अब इनके आगे कप्तान नहीं रहेंगे। बहुत हैरान करने वाला फैसला था। हार्दिक पांड्या जो कि ट्रेड होकर रिसेंटली गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस की टीम में आए हैं, नए कप्तान बना दिए गए हैं मुंबई इंडियंस की टीम के। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं, लेकिन इन्हें क्यों हटाया गया ये अभी तक बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि दो तीन कारण बताए मुंबई वालों ने, लेकिन रोहित को रातों रात अचानक से हटाना और रातों रात हार्दिक पांड्या का कप्तान बन जाना ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। और मुझे भी और सबको ऐसा ही लग रहा है भैया कि रातों रात कुछ नहीं होता, पहले से ही बंबई वालों की प्लानिंग थी। तो पहली बड़ी खबर तो यह है कि पांड्या बन गए हैं कप्तान, लेकिन दूसरी बड़ी खबर भी देख लेते हैं, आखिर रीजन क्या था पांड्या के कप्तान बनने का वो भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों हार्दिक पांड्या के कप्तान बनाने के पीछे मुंबई वालों ने दो बड़े रीजन बताए हैं। पहला बड़ा कारण इन्होंने ये बताया है कि पिछले दो तीन सालों से रोहित शर्मा की कप्तानी लगातार आईपीएल के पटल पर फ्लॉप हो रही थी, और दूसरा बड़ा कारण ये बताया है कि फ्यूचर को देखते हुए हार्दिक पांड्या बेस्ट विकल्प है और इसीलिए मुंबई वालों ने ना आओ देखा ना ताओ एक दो साल का वक्त भी नहीं लिया, पांड्या आ गए थे उन्हें सीधा कप्तान बना दिया। तीसरा बड़ा कारण मुंबई वालों ने बताया है और बताया है कि भैया जो हार्दिक पांड्या है वो पिछले दो सालों से आईपीएल में बहुत सक्सेसफुल कप्तान रहे थे गुजरात टाइटंस की टीम में। एक बार इनको इन्होंने गुजरात टाइटंस को जिताया और पिछली बार रनर अप बनाया। तो ये तीन बड़े कारणों के चलते पांड्या को कप्तान बनाया गया। लेकिन भैया मुंबई वालों ने ये नहीं बताया कि चार पांच बार खिताब जिताने वाले रोहित ने ऐसी क्या गलती की कि रातों रात हटा दिया गया। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन पांड्या का रीजन मुंबई वालों ने बता दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो मुंबई इंडियंस के फैंस के हवाले से रिपोर्ट है भैया, सही हुआ या गलत हुआ बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल सोशल मीडिया पर मुंबई के फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा की जो ब्रांड वैल्यू है उससे मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है, और रोहित के कई फैन मुंबई को सिर्फ रोहित के कारण ही फॉलो करते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ दोस्तों यह है कि मुंबई इंडियंस जहां पर थी आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, और जब कप्तानी मिली रोहित शर्मा को, और आज जहां पर चार पाँच खिताब लेकर मुंबई इंडियंस पहुंची है उसमें रोहित का रोल काफ़ी अहम रहा है, और एकदम से रातों रात उनको हटाने की बात फैंस को पच नहीं रही है। कल सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस की बकिया उधेड़ दी भैया फैंस। अब क्या इस सोशल मीडिया पे जो एक तरह से लैशबैक हुआ है फैंस का, इसके बाद क्या मुंबई अपना फैसला बदलेगी, क्या रोहित को फिर से एक बार रातों रात ही कप्तान वापस बना दिया जाएगा, ये देखने वाला होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों सही हुआ या गलत हुआ, पांड्या सही कप्तान बनाए गए या फिर गलत, अपनी राय कारण सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो पांड्या के हवाले से एक और बड़ी खबर आ गई है और यह भी सुनने लायक है। दरअसल दोस्तों ये जो ट्रेडिंग हुई थी ना 15 करोड़ रुपए गुजरात वाले भी दे रहे थे, 15 करोड़ रुपए मुंबई वाले भी दे रहे थे, फिर आखिर क्यों पांड्या को मुंबई इंडियंस ज्यादा पसंद आई और क्यों ट्रेड हुए उसके पीछे का रीजन भी सामने आ गया। दरअसल दोस्तों रिपोर्टेडली, और यह बहुत बड़ी बात है, रिपोर्टेडली मुंबई इंडियंस वालों ने हार्दिक पांड्या को पहले ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी पोस्ट ऑफर करी थी एंड उसके बाद हार्दिक पांड्या ट्रेड हुए। अगर उन्हें कप्तानी पोस्ट ऑफर नहीं की जाती तो वो गुजरात की ही कप्तानी करते, वो गुजरात टाइटंस में ही रहते। तो भैया पीठ पीछे दो हफ्ते पहले ये सारी बातें हो चुकी थी, और जब रिटेंशन हो रहा था और जब ट्रेडिंग हो रही थी उसी दौरान भैया पांड्या अड़ गए थे कि मेरे को कप्तान बनाओगे, सबसे ऊंची पोस्ट दोगे तो ही आऊंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं होगा।
होगा। और ये जो बात थी ये सचमुच अच्छी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचो भाई कि रोहित शर्मा, जिस बंदे ने खुद पंड्या को लेकर आया मुंबई की टीम में, एट द एंड हमारे पंड्या ने उनको ही बाहर कर खुद ही कप्तान बन गए। तो ये मूवमेंट तो सचमुच बड़ा अजीब था, लेकिन सही है या गलत ये तो आप बताओ यार कमेंट बॉक्स में। रोहित को हटाना मेरे हिसाब से सही नहीं था, वो भी रातों रात इस तरह से मेरे हिसाब से सही नहीं था। अगर आपको हटाना था, आप एक पूरा फुल सीजन, देखो यार आईपीएल है, कोई वर्ल्ड कप तो है नहीं, आप एक पूरा फुल सीजन उनको कप्तानी कराते और पूरी इज्जत के साथ उनका फेयरवेल देते, वो ज्यादा सही होता, मेरी राय यही है। क्योंकि बहुत सक्सेसफुल कप्तान रोहित शर्मा रहे, रातों रात हटने वाली चीज नहीं है। लेकिन भैया रोहित भी क्या कुछ करने की सोच रहे हैं, क्या रोहित भी बदलने वाले हैं टीम, उस पर आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात कर लेते हैं। महेला जयवर्धने जो कि मुंबई इंडियंस के ग्लोबल मेंटोर है, उन्होंने बड़ी बात कह दी है रोहित शर्मा के हटाने को लेकर। उन्होंने कहा वी विल लुक फॉरवर्ड टू हिज गाइडेंस, हम उनकी गाइडेंस का इंतजार करेंगे। भैया महेला जयवर्धने आप क्या बोल रहे हो, ये करंट प्लेयर है रोहित शर्मा, ये कोई रिटायर्ड प्लेयर नहीं है, आप क्या गाइडेंस लोगे, वो आपकी बल्लेबाजी का मेन हिस्सा है। और अगर रोहित नहीं चलेगा तो सचमुच मुंबई परेशान रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन भैया महेला जयवर्धने ने ये बयान देकर बता दिया है कि रोहित शर्मा का रोल अब धीरे से काफी कम हो जाएगा मुंबई की टीम में, और ऐसे गाइडेंस उन्हें देखा जाएगा। मतलब मुंबई इंडियंस वालों ने लगता है ये आखिरी सीजन रोहित शर्मा के लिए सोचकर रख लिया है, हो सकता है अगले साल मेगा ऑक्शन है, रोहित को रिलीज भी किया जा सके। लेकिन भैया सुनो उससे पहले ही रोहित जा सकते हैं। छठवीं बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों। रिपोर्टेडली रोहित शर्मा यहां से मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़ सकते हैं, और ये इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग होने वाली है। एक हफ्ते पहले हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग थी, रोहित की भी हो सकती है। रिपोर्टेडली दोस्तों रोहित शर्मा ट्रेड हो सकते हैं यहां से, क्योंकि जाहिर है रोहित शर्मा भी अपना हित देखेंगे। तीन टीमें ऐसी है दोस्तों जो इस समय रोहित शर्मा से संपर्क में है। पहली टीम गुजरात टाइटंस की है, हमने आपको पहले भी बताया था लगभग तीन हफ्ते पहले कि गुजरात में वो ट्रेड हो सकते हैं, बाद में रोहित ने उन अफवाहों को खारिज किया। लेकिन अब जबकि कप्तानी छिन गई है तो गुजरात उनको कैप्टेंसी ऑफर कर सकती है, तो पहली टीम तो गुजरात है। दूसरी टीम हैदराबाद है, जिनके पास बड़े इंडियन प्लेयर की काफी कमी है और कप्तान भी अच्छा नहीं है एज ए इंडियन प्लेयर, रोहित बड़े प्लेयर रहेंगे। और तीसरी पंजाब किंग्स की टीम है, जिनके पास शिखर धवन कप्तान है, अगर रोहित गए तो फिर रोहित कप्तानी करेंगे। तो ये तीन टीमें ऐसी है दोस्तों जो आज की डेट में 15 करोड़ रुपए की कैश डील कर रोहित शर्मा को ट्रेड कराने के लिए तैयार हैं। अगर रोहित सिर्फ एक बार हामी भर दे तो मुंबई छोड़कर वो किसी भी टीम में जा सकते हैं। लेकिन यहां से दोस्तों अभी तक रोहित शर्मा का कोई ऑफिशियल बयान नहीं निकल कर आया, विच इज शॉकिंग। रोहित शर्मा का मुंबई से प्यार बहुत नई बात नहीं है, हमने देखा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई से ही आते हैं और मुंबई के लिए रोहित ने सब कुछ किया है। अब रातों रात मुंबई को छोड़कर किसी और टीम में ट्रेड होना रोहित के लिए आसान नहीं रहने वाला है मेरे हिसाब से, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा के लिए तीन टीमों के दरवाजे खुल गए हैं। रोहित मुंबई को इजीली आज की डेट में रातों रात छोड़कर किसी भी टीम में 15 करोड़ में कैश ट्रेड होकर जा सकते हैं। बाकी आगे इस पर क्या होगा टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे, टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फ्री में ज्वाइन हो जाइए। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है। टेलीग्राम पर सारी खबरें और पर्दे के पीछे की कहानी सबसे पहले आ जाती है, और नीलामी की लाइव अपडेट भी नीलामी के दिन चलेगी, तो फटाफट चले जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखो यार रोहित और मुंबई का जो हुआ सो हुआ, लेकिन आईपीएल में भी कल एक बवाल खबर निकल कर आ गई। खबर यह थी दोस्तों कि एक छोटा आईपीएल होने वाला है, बीसीसीआई सितंबर अक्टूबर की विंडो में एक मिनी आईपीएल को प्लान कर रही है। T10 मतलब 10 ओवर के फॉर्मेट का ये आईपीएल होगा, जिसमें जो मेन आईपीएल होता है उसकी टॉप 4 टॉप 5 या टॉप 6 टीम्स को सेलेक्ट कर ये छोटा आईपीएल हिंदुस्तान में कराया जाएगा। एक जमाने में सितंबर अक्टूबर अगस्त की ये जो विंडो होती थी ये चैंपियंस लीग को दी जाती थी। ये जो चैंपियंस लीग होती थी ये दुनिया भर की सारी लीग क्रिकेट की टीमों की एक लीग होती थी। लेकिन अब दोस्तों क्योंकि चैंपियंस लीग बंद हो गई है तो जाहिर है वो विंडो खाली पड़ी रहती है, और उस खाली विंडो में T10 लीग हो सकती है। अब देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आती है, इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको हमारे चैनल पर और टेलीग्राम पेज पर बता देंगे। फिर बोल रहा हूँ टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है एबी डिविलियर्स के हवाले से। एबी डिविलियर्स ने विराट और रोहित के ऊपर काफी बड़ी बात कह दी है। हिंदुस्तान में कई सारे लोग आज की डेट में इस तरह की बातें विराट रोहित पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स ने सब कुछ क्लियर कर दिया, सारी हवा साफ कर दी। एबी डिविलियर्स ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में जो विराट रोहित को ले या ना ले, इस पर जो बहस चल रही है ना, दिस टॉक इज टोटली नॉनसेंस। ये एक नॉनसेंस बात है। दोनों ही प्लेयर्स का फॉर्म, रोहित का एज ए कैप्टन, विराट का एज ए बल्लेबाजी फॉर्म 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा था, और 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। अब आप भाई 6 महीनों में ऐसा क्या कर लोगे कि इन दो महान खिलाड़ियों को बाहर कर इनकी रिप्लेसमेंट लाकर वर्ल्ड कप जीत जाओगे? तो एबी डिविलियर्स ने बहुत क्लियर कट बोल दिया कि भैया अगर इनको बाहर करने की बात है ये तो नॉनसेंस बात है, और अगर इनको बाहर किया जाता है तो वो सचमुच हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। और एबी डिविलियर्स की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। अगर आप भी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो आईपीएल 2024 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी का एक हिंट मिल गया। दरअसल S20 के लिए सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की जर्सी रिवील हो गई, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हमने पिछले साल भी देखा था जिस तरह से S20 में सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी थी, वैसी ही आईपीएल में जर्सी थी सनराइजर्स हैदराबाद की। अब क्योंकि इस बार S20 में कुछ इस तरह की जर्सी है, तो हो सकता है भाई कि आईपीएल 2024 में भी हैदराबाद की टीम S20 मिनी आईपीएल की तरह ही जर्सी पहने हुए नजर आए। तो हैदराबाद की जर्सी कैसी लग रही है आपको बताना जरूर कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दसवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ अजीब सा ही होता हुआ अब नजर आ रहा है, और लगता है अपने पुराने नक्शे कदम पर फिर से लंकाई क्रिकेट बोर्ड लौटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों एक जमाने में काफी करप्शन हुआ श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड में, जिसके चलते ये टीम नहीं बना पाए। पिछले 3 सालों से ये अच्छा कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली सनत जयसूर्या, माफ कीजिए, उनको क्रिकेट कंसल्टेंट बना दिया गया। अब आप बोलेंगे यार जयसूर्या तो इतना महान खिलाड़ी है, इसमें हंसने की क्या बात है? देखो यार ये वही जयसूर्या है जिन्होंने क्रिकेट जगत में तो बड़े बड़े गेंदबाजों की बैंड बजाई, लेकिन बाद में इनके ऊपर बहुत बड़े क्रिकेट करप्शन स्कैंडल सही सिद्ध हुए। इन्होंने अपनी गलती भी मानी और इन्होंने कहा कि मैंने करप्शन किया था। तो श्रीलंका की क्रिकेट में बड़ा करप्शन सामने आया था लगभग 4 साल पहले, जिसमें सनत जयसूर्या का बहुत बड़ा रोल था। अब उन्हें फिर से क्रिकेट कंसल्टेंट क्यों बनाया गया ये तो वही लोग जानते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें दोस्तों। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रोहित को हटाने का फैसला सही है या गलत है, अपनी राय नीचे जरूर लिखना दोस्तों, आपकी राय बहुत अहम है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबा।